Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. New just for you, just born kids choice. ARK Giri, silk and sari. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. JDS Panchratna Yatra ki date postponed. 6 जनवरी की जगह अब 8 जनवरी को होगी बसो कल्याण में जेडीएस पंचरत्न यात्रा। वो किसी हमारे बेंगलुरु के वहाँ पर कोई मॉन्सून से दो एक्स्ट्रा होने की वजह से ये प्रोग्राम बसो कल्याण को दो दिन लेट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। जेडीएस पार्टी की ओर से बीदर डिस्ट्रिक्ट के बीदर नॉर्थ, बीदर साउथ, हुमनाबाद और बसोकल्याण में होने वाली पंचरत्न यात्रा की डेट पोस्टपोन की गई है। बीदर नॉर्थ और साउथ में 3 और 4 जनवरी को होने वाली पंचरत्न यात्रा अब 5 और 6 जनवरी को होगी। हुमनाबाद में 5 जनवरी को होने वाली यात्रा अब 7 जनवरी को होगी और बसोकल्याण में 6 जनवरी को होने वाली पंचरत्न यात्रा अब 8 जनवरी को होगी। ये जानकारी बसोकल्याण जेडीएस उम्मीदवार सैयद यशरफ अली खादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सैयद यशरफ अली खादरी ने बताया कि बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी में दो दिन ये पंचरत्न यात्रा बढ़ने की वजह से यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट के तालुकों में होने वाली पंचरत्न यात्रा की डेट आगे बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से 3, 4, 5 और 6 को होने वाली यात्रा को 5, 6, 7 और 8 जनवरी को की गई है। 8 जनवरी को होने वाली पंचरत्न यात्रा की SVS Tires, Total Tire Solution in One Unit. Eyelight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality product. Dream Home Furnishing, Curtain and Sofa. रूट वही रहेगी जो 6 जनवरी को रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDS उम्मीदवार सैयद यशरफ अली खादरी, तालुका प्रेसिडेंट अरशद महागवी, डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन आकाश खंडाले, एक्स तालुका प्रेसिडेंट शब्बीर पाशा मुजावर, सुशील अवस्थी, अनिल पीरप्पा मौजूद रहे। दे रहे हैं कि हमारे पार्टी का जो प्रोग्राम था 2023 6 जनवरी को, वो किसी हमारे बेंगलुरु के वहाँ पर कोई मॉन्सून से दो एक्स्ट्रा होने की वजह से ये प्रोग्राम बसों के लिए उनको दो दिन लेट हो रहा है। और जैसा हमारे सदर साहब भी बताए कि हमको और दो दिन मिल गए एक्स्ट्रा, इसको जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, सब लोगों तक ये मैसेज और पहुँचाने के लिए। और 2023 जनवरी 8 तारीख को ये प्रोग्राम होने जा रहा है जो पहले 6 तारीख को था। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर, प्रशांत मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस। जिस तरह से 6 को प्रोग्राम था ये, अब 8 को हो गया है, फिर क्या आने वाले दिनों में फिर इस तरह से हर डेट आगे पोस्टपोन हो सकती है? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर दो कॉन्फ्रेंस बढ़ने की वजह से ये प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ। ये जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे ऑल ओवर कर्नाटक में चल रहा है, तो ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी वहाँ पे थे, फिर इस बार ये जो टाइम टेबल डिस्टर्ब होने की वजह क्या है, क्यों तो पहले के वहाँ प्लान नहीं था कि वहाँ पे जाकर पंचरत्न का प्रोग्राम चल रहा है। अभी हमारे पास से अलम जाने वाला था, अभी अलम नहीं जाकर वो छिंचोली जाने वाला है, यानी रूट कौन सी बीच में अभी खरीद कैसा होता है वो रनिंग मोमेंट वो देख रहे हैं, बाद में वो कौन सी को दो जाने के लिए वापस डिस्टर्ब नहीं होना, इसलिए आते आते वो भी दो कर ऐसा आ रहा है। जिस तरह बीदर में भी 3 तारीख को आने वाला था, तो क्या वहाँ की भी डेट बढ़ गई? बीदर सोच जो है हमारे पटना पटना के पास जो है 6 को होगा, हमराबाद 7 को होगा, बसोकल्याण 8 को होगा, ये चारों भी डेट आगे गए हैं। जब बीदर डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो चारों डेट एक साथ आगे जाएंगे। 8 तारीख प्राइस अदा नम तालुका दाग है, नमदू 8 तारीख दिन पंचरत्न कार्यक्रम आगे अद ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ದು ಏನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾವ ಇದು ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ಭಾಗದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅವು ಏನದ 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಲತ್ತದ, ಅದ ಕಡೆಯಿಂದು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮುಂದುವರೆಯಲಕ್ಕ 6 ಬಜೆ 8 ತಾರೀಕು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮದು ರೈತರ ಕಣ್ಮಣಿ ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಆದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಈ 2 ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡ ಇದ್ದದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀವು ಏನದ ಒಂದು ಪ್ರೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಾಕಂತಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ,
ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕರೆದು ನಾವು ಇದೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದದ ಅದು ಕಾಲ ಏನದ ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯದ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕ ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಎರಡು ದಿನ ಭಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಸರ್ ಸಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತೇನದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏನದ ಕರೆದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದದೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ